वड़कम सर, आपने मुझे एड्स एंड एचआईवी वाले मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। माननीय उपसभापति जी, एचआईवी पॉजिटिव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर दी। इस बीमारी से ग्रसित लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है। यह बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को अत्यधिक अपमान और वेदना का सामना करना पड़ता है। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर देश में लगभग 682 एआरटी सेंटर और 1270 लिंक सेंटर हैं। लगभग 2.4 मिलियन लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। भाजपा सरकार हमेशा से ही इस मुद्दे पर संवेदनशील रही है। सन 2004 में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने मुफ्त एचआईवी की उपचार की घोषणा की थी। सन 2017 में एचआईवी एड्स बिल पारित किया गया। माननीय उपसभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सभी एचआईवी लोगों को, पंजीकृत एचआईवी लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही नेशनल काउंसिल ऑन एड्स को पुनः सक्रिय किया जाए। एआरटी सेंटर में जो काउंसलर के पद हैं, जो काउंसलर के पद पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर एचआईवी पॉजिटिव को ही नियुक्ति हो, जो उनके दर्द को समझ सकें। पेडियाट्रिक एआरवी समस्याओं का अस्थायी रूप से समाधान निकाला जाए। इस बीमारी पर जागरूकता बढ़ाई जाए और इस मुद्दे पर डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग कराई जाए। धन्यवाद।